लट्टू ऐसे जो एक खाके भी मन ना भरे, एक खाए तो चार खाने का मन करे। ये है सर्दियों की ताकत, और हमारे सर्दी में है ये लड्डू, और ये लड्डू जिसमें ना चीनी डली है ना गुड़, और ये बनेंगे घर के ही सामान से। ये है सूखी मेवा के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, जिसे घर पे बनाएं और अपने सर्दियों में खांसी जुकाम से आराम पाएं। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत ताकतवर है। इसे रोज एक दूध के साथ, एक गिलास दूध के साथ इस लड्डू को खाएं और अपने घर में सर्दियों को भगाएं। सर्दियों में गर्मी का एहसास ये है लड्डू ड्राई फ्रूट्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ मैं इसमें मैंने क्या क्या डाला है। ये मैंने दो नाप लिए हैं, जो 240 ml है बड़ा वाला और 140 ml है छोटा वाला। ये 2 ml के, आप चाहें तो घर की एक बड़ी कटोरी और एक छोटी कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा 120 ml है, ये छोटा वाला है नाप है, और वो जो बड़ा है ये वाला मेरा 24 ml का बड़ा नाप है। तो बड़े वाले से मैंने मखाने लिए हैं, ये भुने हुए चने लिए हैं, सेम नाप है, आप बड़ी कटोरी और छोटी कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये काजू लिए हैं, ये मैंने साबुत काजू लिए हैं, आप चाहें तो 2 पीस भी ले सकते हैं। और ये मैंने बादाम लिए हैं। छोटे वाले नाप से मैंने ये खसखस ली है, और ये मैंने खरबूजे की ग्री ली है। मिश्री मेरी 100 ग्राम है। ये है मेरा पूरा सामान, इसी से ही बनाएंगे हम आज के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मखाने लिए हैं। मखानों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मखानों में किसी तरह का, जैसे इसमें ये छिलका रह जाता है तो इन छिलकों को अलग कर दीजिएगा। ये मखाने हैं, एक एक करके हमें सारा ही सामान यूज़ करना है। हाँ, ये मिश्री जो मैंने ली है, ये मैंने धागे वाली मिश्री ली है, आप देखिए ये धागे वाली मिश्री है, अच्छी तरीके से यही यूज़ करिएगा। ये खाने में बहुत हेल्दी होती है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले हमें मखानों को हमें रोस्ट करना है। किसी तरह की कोई चिकनाई यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल नॉनस्टिक की कढ़ाई में इसको रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना होगा, और उससे ये बहुत करारे हो जाएंगे। और ये देखिए मखाने हल्के हल्के आँच से ही में ही इसे रोस्ट कर रहे हैं, थोड़े से करारे हो जाए और अच्छी तरीके से ये भुनने लगे। तो बिगर चिकनाई के भी हम मखाने भून सकते हैं। नॉनस्टिक की कढ़ाई ले लीजिए या कोई भी भारी तरीके, कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। उसे कंटिन्यू चलाएंगे, इसका हल्का सा रंग कलर चेंज होगा, हल्का सा। तो ये हमारे मखाने भुन गए हैं, ये देखो पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी तरीके से ये भुन चुके हैं, हल्का हल्का सा इसमें क्रीमी शेड आ चुका है। ये मखाने हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब इन मखानों को हमने एक प्लेट में अलग कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने प्लेट्स में ये मखाने मैंने अलग कर दिए, ये ठंडे हो जाएंगे। अब हम लेते हैं दूसरी चीज़, दूसरा सामान लेते हैं। अब ये मैंने अलग कर दिया है। अब दूसरा सामान जो हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम खसखस। खसखस बहुत बारीक होती है, तो वैसे तो ग्रॉसरी आइटम शॉप पे अच्छी खसखस मिलती है, फिर भी आप ध्यान दीजिए कोई तिलतिल ना हो। तो खसखस को भी हम हल्का सा, तो 3 से 4 मिनट, ओनली 3 से 4 मिनट ही इसको भी रोस्ट करेंगे। ये हल्की सी ब्राउनिश कलर में आ जाएगी, अभी लाइट ब्राउन है, फिर ये डार्क ब्राउन कलर में आ जाती है। इसको भी कंटिन्यूसली चलाएंगे। गैस हमें सिम रखनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ ड्राई फ्रूट जल्दी आँच पकड़ते हैं तो बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाएंगे, हमें इसका मॉइस्चर निकालना होता है, इसलिए इसको सिम आँच पे ही हम इसको पकाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, तो ये अच्छे लगेंगे ना। तो ये सर्दियों में हम खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों को दूध के, एक गिलास दूध के साथ लड्डू को दोगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर बेस्ट हो, इम्यूनिटी पावर अच्छी ग्रोथ करेगी, सर्दी खांसी नहीं लगेगी। और इस लड्डू को खाने से हमारे कमर दर्द, सिर दर्द और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। ये देखिए, मैंने बातों में ये मैंने खसखस अच्छी तरीके से भून ली है, इसे भी मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैंने ये खरबूजे की ग्री ली है, इसको भी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। पहले देखिए अच्छी तरीके से चलाइए, जब ये फूलने लगे तो देखिए ये ना चट चट करके कुछ आवाज़ करती है, इसमें कोई चिकनाई नहीं चाहिए, ये सिंपल मैंने ऐसे ही भूनी है। तो इसमें जब ये चट चट करके आवाज़ करने लगती है तो इसमें मैंने कढ़ाई ढक ली है। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई ढक दी है। फ्रेंड्स, तिल चटकते हैं तो इसके लिए मैंने इस पर प्लेट ढक दी है, तो ये चटक के ऊपर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे कढ़ाई से, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। तो आप भी इसी तरह से केयर से बनाइएगा।
खराब हो सकती है। तो प्लीज़ दिल को चटकाते हुए, बीजों को चटकाते हुए, जैसे बीज है दिल नहीं ऊपर साइड में आते हैं, तो उसको थोड़ा सा केयर से बनाइए। देखिए ये दो सेगमेंट में मेरे दिल, मेरे जो ग्री है बीच की वो भी मेरी बुन गई। अब मैं इनमें काजू रोस्ट करूँगी। ये मैंने साबुत काजू लिए हैं, आपके घर में ये दो पीस वाले काजू हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसको भी भून सकते हो। अच्छी तरीके से भून लीजिए और इसको भी अच्छी तरीके से भून के इसे भी हम डिश आउट कर सकते हैं। कर ही दिया है, ये देखिए ये मेरे काजू भी भून गए। मैंने कोई चिकनाई यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब लास्ट में ये बादाम, बादाम है थोड़ा सा कुछ आता है तो उसे निकाल देना चाहिए। देखिए मेरे बादाम भी हल्के हल्के से रोस्ट, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अपना ही एक नेचुरल जो है ऑयल होता है, उससे उसी ही हीट से ये अच्छे रोस्ट हो जाते हैं। और इनका रोस्ट करने का पर्पज़ केवल इतना होता है कि इसमें मॉइस्चर ना रहे। यदि आपके सर्दियों में धूप अच्छी आती है तो आप एक दो दिन की धूप भी लगा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरे बादाम भी भुन चुके हैं। तो बादाम के बाद मेरे जिसके फ्रेंड्स के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए बनाए, तो उन्होंने कहा अखरोट भी डालो। तो ये मैंने अखरोट भी डाल दी। फ्रेंड्स आए हुए थे, उन्होंने कहा अखरोट भी डाल के दिखाओ, हमने डाल के डालने हैं। तो मैंने कहा लो जी अखरोट भी हम रोस्ट कर देते हैं। अखरोट भी मैंने इसमें डाल के रोस्ट कर दिए थे। अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको मिक्सी में, सबसे पहले मखाने जो हमने सबसे पहले रोस्ट किए थे उनको हम पीस लेते हैं। हल्का सा एक दो मिनट पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है। और ये ग्राइंडर बार बार यूज़ करना है तो इसी में ही मैंने ये चने भी रोस्ट कर दिए हैं, सॉरी ग्राइंड कर दिए। ये 3 से 4 मिनट मैंने मैंने छिलके सही दिए, छिलका बहुत ताकतवर होता है, छिलके में अच्छा प्रोटीन होता है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। ये मिश्री है, मिश्री भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पीस ली है। ये देखिए बारीक हो गई है बिल्कुल मिश्री। आप चाहें तो खलबत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं मिश्री के। ये मेरे बादाम हैं, बादाम को भी सेम 3 से 4 मिनट ही, सेम सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे रोस्ट करे हुए हैं ठंडे हैं, और इसको भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें मैंने काजू डाले हैं, काजू डाल के भी मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए करूँगी। ये देखिए मेरे काजू भी बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा चिपक गया है, बार बार यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा हीट से ही चिपक जाता है। तो ये सारा मिश्रण, ये सारा तेल जितना भी है पाउडर हम निकाल देंगे। अब हम इसके बाद डालेंगे ये अखरोट। सबसे लास्ट में मैं अखरोट डाल रही हूँ। अखरोट को भी अच्छी तरीके से 2 से 4 मिनट के लिए यह रोस्ट करके भून लेंगे। ये देखिए रोस्ट करके तो अखरोट भी भून लिए हैं, अच्छी तरीके से अखरोट भी मेरे भून गए हैं। अब ये सारा समय मैंने भून के, अब इसमें मैंने 2 चम्मच करी सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर डाला है। ये खसखस है, ये खरबूजे की बीज है, ये भी मेरे जो रोस्ट करके ये डाल दिए हैं। आप और ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मैं डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने कोई गुड़ कोई चीनी यूज़ नहीं करी है। अब देखिए मिलाते हुए ये देखिए कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स के साबुत रह जाते हैं, तो उनको अलग कर दीजिएगा और चाकू की हेल्प से इसको काट सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से चम्मच की हेल्प से हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। खूब अच्छी तरीके से मिला रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से। ये देखिए जो भी निकल रहा है अलग अलग निकाल दीजिए और चाकू से बारीक बारीक इसको काट लीजिए। ये मैंने एक ही हाथ से बना रही हूँ क्योंकि
सर्दियों के लिए सबसे हेल्दी लड्डू ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये सारे लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए हैं, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करेगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करेगा। बताइएगा आपके ये लड्डू कैसे बने। थैंक यू।